हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, ये स्टेटस वीडियो मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए बनाई थी, जिसे देखकर वो तो बहुत ही खुश हो गई, इसीलिए मैंने ये स्टेटस वीडियो की वीडियो आपके लिए लेकर आया। अगर आप भी सीखना चाहते इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना, तो इस वीडियो का बिना स्किप किए अंत तक देखते जाइए और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाते रहते। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको स्प्रेड टेक्स्ट किस तरह से लिखना है और आपको HDR इफेक्ट किस तरह से इसमें ऐड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपका काइन मास्टर ऐप ओपन होता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी। तो मैं यहाँ से फुल स्क्रीन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और आइडियो की सेटिंग आपको ऐसे कर लेनी। उस जो दो नंबर वाला है इसे यहाँ पर ऑन कर लेना है आइडियो फेटीन, और इसे ज़ीरो कर देना है, और जो नीचे जो ऑप्शन है उसे भी आपको ज़ीरो कर देना है, जिससे हमारी वीडियो बिल्कुल ही आइडियो कटेगी नहीं। लास्ट में जो आइडियो कम हो जाती है वो कम नहीं होगी और बिल्कुल स्टेबल आइडियो चलती रहेंगी। उसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एक टैंपलेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास टैंपलेट अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे किस तरह से डाउनलोड कर लेना है। तो जो टैंपलेट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो टैंपलेट का तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए। तो इसे मैं 30 सेकंड के लिए क्रॉप कर देता हूँ, इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। इसे देख सकते हैं क्रॉप हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है, और आपको जिस भी बंदे की, आपके बंदी की, आपके गर्लफ्रेंड की, आपके फ्रेंड की या किसी की भी फ़ोटो की वीडियो बनानी तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है नीचे क्रॉपिंग उस पर आपको क्लिक करना और इसे मास्क यहाँ पर ऑन कर देना है, और यहाँ पर दो नंबर वाला मास्क यहाँ से सेलेक्ट करके इसे इस तरह से क्रॉप कर देना है, इस तरह से क्रॉप कर देना है और इसे राइट कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपको करना क्या, इसे आपको फुल स्क्रीन पर यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है। ये देख सकते हैं सेट हो चुकी है। उसके बाद आपको करना क्या, इसे लास्ट तक लेकर चले जाना है 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद आपको जो नीचे जाना है और ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन के बाद आपको स्क्रीन यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जी बिल्कुल, से आप देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड है जो सामने आ चुका है और हमारी वीडियो इसके अंदर सेट हो चुकी है। उसके बाद आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डुप्लीकेट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना, और इसकी डुप्लीकेट आपको ऐसे क्रिएट कर लेना, और डुप्लीकेट पर आपको क्लिक करना है उसके बाद, और जो कलर फिल्टर वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ से चूज़ करना है, और जो भी आपको दो नंबर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर उस पर आप क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, नीचे कलर एडजस्टमेंट में जाके इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना, और जो ओवरले एमिनेशन उस पर आपको क्लिक करके आपको इस पर फ्लिकर कर देना है, जिससे कि ये बढ़िया वीडियो के साथ हमारी वीडियो चलती रहेगी। देख सकते इस तरह से। तो इसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मैं आपको HDR मोड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वही है, HDR आपको किस तरह से ऑन करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको टेक्स्ट में जाना, और आपको जो भी लिखना है, अगर आप सॉन्ग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर आपका नाम आप लिख सकते हैं। तो इसे आपको किस तरह से सेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, या आपका गर्लफ्रेंड का नाम भी आप लिख सकते हैं अगर उसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख लिया, और उसके बाद आपको यहाँ पर जाके इस पर कोई अच्छा सा यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इस तरह से करने के बाद इसे लास्ट तक लेकर चले जाते हो। इसके बाद इसको करना क्या, आपको इसे नीचे के साइड में कैसे लाना है मैं आपको बताता हूँ। इस पर आपको जो यहाँ पर जो ऑप्शन है की वाला, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद इसे यहाँ पर लेकर चले जाना है, और ये यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर फिर से प्लस कर देता हूँ, और इसे नीचे के साइड में इस तरह से यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे कि ये हमारी देख सकते वीडियो के साथ किस तरह से हिलती रहेगी। ये हमारी वीडियो के साथ में यहाँ पर ये नीचे जाएगी, जिस तरह से वीडियो चलेगा उस तरह से। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ HDR आपको किस तरह से करना है। उसके बाद आपको जो इफेक्ट है वहाँ पर जाना है इफेक्ट, और आपको जो गेट मोर है उस पर आपको नेट ऑन करना है, और आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो HDR वाला, आपको यहाँ से इफेक्ट डाउनलोड कर रखना है। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसे सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर HDR हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर बस यहाँ पर जितनी हमारी फ़ोटो है उतना ही यहाँ पर रखूँगा, और यहाँ पर पहले से ये सेट हो चुका है।
तो इसे लास्ट तक लेकर चले जाऊंगा। इस तरह से देख सकते हैं हमारा HDR मोड भी यहाँ से ऑन हो चुका है। इस तरह से तो देख सकते हैं हमारी वीडियो इस तरह से तैयार हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ पर फुल HD में यहाँ पर आपको यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक।